ओम शांति। 20 सितंबर साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें यहाँ प्रवृत्ति मार्ग का लव मिलता है, क्योंकि बाप दिल से कहते हैं, मेरे बच्चे, बाप से वर्षा मिलता है, यह लव देहधारी गुरु नहीं दे सकते। प्रश्न, जिन बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की धारणा है, शुरुड़ बुद्धि है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, उन्हें दूसरों को सुनाने का शौक होगा, उनकी बुद्धि मित्र संबंधियों आदि में भटकेगी नहीं। शुरुड़ बुद्धि जो होते हैं वह पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे, स्कूल में कभी आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। जो बच्चे तवाई होकर बैठते, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती रहती, वह ज्ञान को समझते ही नहीं, उनके लिए बाप को याद करना बड़ा मुश्किल है। ओम शांति। यह है बाप और बच्चों का मेला, गुरु और चेले अथवा शिष्यों का मेला नहीं है। इन गुरु लोगों की दृष्टि रहती है कि यह हमारे शिष्य हैं अथवा फॉलोअर्स व जिज्ञासु हैं। हल्की दृष्टि हो गई ना, वह उस दृष्टि से ही देखेंगे, आत्मा को नहीं। वह देखते हैं शरीरों को, और वह चेले भी दे अभिमानी होकर बैठते हैं, उनको अपना गुरु समझते हैं। दृष्टि ही वह रहती है कि हमारा गुरु है, गुरु के लिए रिगार्ड रखते हैं। यहाँ तो बहुत फर्क है, यहाँ बाप ही बच्चों का रिगार्ड रखते हैं, जानते हैं इन बच्चों को पढ़ाना है। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बच्चों को समझानी है। उन गुरुओं के दिल में बच्चे का लव नहीं होगा। बाप के पास तो बच्चों का बहुत लव रहता है, और बच्चों का भी बाप पर लव रहता है। तुम जानते हो, बाबा तो हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाते हैं। वह क्या सिखाते हैं? आधा कल्प शास्त्र आदि सुनाते, भक्ति के कर्मकांड करते, गायत्री संध्या आदि सिखाते रहते हैं। यह तो बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। हम बाप को बिल्कुल नहीं जानते थे, सर्वव्यापी ही कह देते थे। कभी भी पूछो परमात्मा कहाँ है, तो झट कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। तुम्हारे पास मनुष्य जब आते हैं तो पूछते हैं, यहाँ क्या सिखाया जाता है? बोलो, हम राजयोग सिखाते हैं, जिससे तुम मनुष्य से देवता अर्थात राजा बन सकते हो। और कोई सत्संग ऐसे नहीं होगा जो कहे हम मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा देते हैं। देवताएं होते हैं सतयुग में, कलयुग में है मनुष्य। अब हम तुमको सारी सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, और फिर तुमको पावन बनने की बहुत अच्छी युक्ति बताते हैं। ऐसी युक्ति कभी कोई समझा न सके। यह है सहज राजयोग। बाप है पतित पावन, वह सर्वशक्तिमान भी है, तो उनको याद करने से ही पाप भस्म होंगे, क्योंकि योग अग्नि है ना। तो यहाँ नई बात सिखलाते हैं। ये ज्ञान मार्ग है, ज्ञान सागर एक ही बाप होता है। ज्ञान और भक्ति अलग अलग है। ज्ञान सिखाने लिए बाप को आना पड़ता है, क्योंकि वही ज्ञान का सागर है। वह खुद आकर अपना परिचय देते हैं कि मैं सबका बाप हूँ, ब्रह्मा द्वारा सारी सृष्टि को पावन बनाता हूँ। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग।
तो सतयुग आदि कलयुग अंत का यह है संगम युग। इनको लीप युग कहा जाता है। इसमें हम जंप मारते हैं, कहां पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप मारते हैं। वह तो सीढ़ी से आहिस्ते आहिस्ते नीचे उतरते आए, यहां तो हम छीछी दुनिया से नई दुनिया में एकदम जंप मारते हैं, सीधा चले जाते हैं ऊपर। पुरानी दुनिया को छोड़ हम नई दुनिया में जाते हैं। यह है बेहद की बात। बेहद की पुरानी दुनिया में ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में तो बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं। जिसको स्वर्ग कहा जाता है वहां सब पवित्र रहते हैं। कलयुग में है सब अपवित्र, अपवित्र रावण बनाते हैं। यहां तो सबको समझाते हैं कि तुम अब रावण राज्य अथवा पुरानी दुनिया में हो, असल में राम राज्य में थे जिसको स्वर्ग कहा जाता था। फिर कैसे 84 का चक्र लगाकर नीचे गिरे हो, सो तो हम बता सकते हैं। जो अच्छे समझदार होंगे वह झट समझेंगे, जिसको बुद्धि में नहीं आएगा वह तो तवाई के मिसल इधर उधर देखते रहेंगे, अटेंशन से सुनेंगे नहीं। कहते हैं ना, तुम तो जैसे तवाई हो। सन्यासी लोग भी जब कथा बैठ सुनाते हैं तो कोई जुटका खाते हैं या अटेंशन और तरफ रहता है, तो अचानक उनसे पूछते हैं क्या सुनाया। बाप भी सबको देखते रहते हैं, कोई तवाई तो नहीं बैठे हैं। अच्छे शुरूड़ बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई में कभी उबासी आदि नहीं लेंगे। स्कूल में कभी कोई आंखें बंद करके बैठे यह तो कायदा नहीं। कुछ भी ज्ञान को समझते नहीं। बाप को याद करना उन्हों के लिए बड़ा मुश्किल है। फिर पाप कैसे कटे? शुरूड़ बुद्धि तो अच्छी रीति से धारण कर औरों को सुनाने का शौक रखते हैं। ज्ञान नहीं है तो बुद्धि मित्र संबंधियों के तरफ भटकती रहती है। यहां तो बाप कहते हैं और सब कुछ भूल जाना है, पिछाड़ी में कुछ भी याद न आए। बाबा ने सन्यासियों आदि को देखा हुआ है जो पक्के ब्रह्म ज्ञानी होते हैं। सवेरे ऐसे बैठे बैठे ब्रह्मा महतत्व को याद करते करते शरीर छोड़ देते हैं। उनके शांति का प्रवाह बहुत होता है। अब वह ब्रह्म में लीन तो हो न सके, फिर भी माता के गर्भ से जन्म लेना पड़ता है। बाप ने समझाया है, वास्तव में महात्मा तो कृष्ण को कहा जाता है। मनुष्य तो बिगर अर्थ समझे ऐसे ही कह देते हैं। बाप समझाते हैं श्री कृष्ण है संपूर्ण निर्विकारी, परंतु उनको सन्यासी नहीं देवता कहा जाता है। सन्यासी कहना व देवता कहना उनका भी अर्थ है। यह देवता कैसे बना? सन्यासी से देवता बना। बेहद का सन्यास किया, फिर चले गए नई दुनिया में। वह तो हद का सन्यास करते हैं, बेहद में जा न सके। हद में ही पुनर्जन्म लेना पड़े विकार से, बेहद का मालिक बन न सके। राजा रानी कभी बन न सके, क्योंकि उन्हों का धर्म ही अलग है। सन्यास धर्म देवी देवता धर्म नहीं है। बाप कहते हैं मैं अधर्म विनाश कर देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। विकार भी अधर्म है ना, इसलिए बाप कहते हैं इन सब का विनाश और एक आदि सनातन
देवी देवता धर्म की स्थापना करने मुझे आना पड़ता है। भारत में जब सतयुग था तो एक ही धर्म था, वही धर्म फिर अधर्म बनता है। अब तुम फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। अपने को आत्मा निश्चय करना है। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, उसमें भी जितना हो सके उठते बैठते ये पक्का करो। जैसे भक्त लोग सवेरे उठकर एकांत में बैठ माला जपते हैं, तुम तो सारे दिन का हिसाब निकालते हो। फलाने समय इतनी याद रही, सारे दिन में इतना समय याद रही, टोटल निकालते हो। वह तो सवेरे उठकर माला फेरते हैं। भल कोई सच्चे भक्त नहीं होते हैं। कईयों की बुद्धि तो बाहर कहां कहां भटकती रहती है। अभी तुम समझते हो भक्ति से फायदा कुछ भी नहीं मिलना है। यह तो है ज्ञान जिससे बहुत फायदा होता है। अभी तुम्हारी है चढ़ती कला। बाप घड़ी घड़ी कहते मन मना भाव। गीता में भी अक्षर है परंतु उसका अर्थ कोई भी सुना नहीं सकेंगे, जवाब देने आएगा नहीं। वास्तव में उसका अर्थ लिखा हुआ भी है। अपने को आत्मा समझ देह के सब धर्म छोड़ माम एकम याद करो। भगवान उवाच है ना, परंतु उनके बुद्धि में है कृष्ण भगवान। वह तो देहधारी पुनर्जन्म में आने वाला है ना, उनको भगवान कैसे कह सकते हैं। तो सन्यासी आदि किसी की भी दृष्टि बाप और बच्चों की नहीं हो सकती है। भल गांधी जी को बापूजी कहते थे, परंतु बाप बच्चे का संबंध नहीं कहेंगे। वह तो फिर भी साकार हो गया ना। तुमको तो समझाया है अपने को आत्मा समझो। इसमें जो बाप बैठा है वह है बेहद का बापूजी। लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप से वर्षा मिलता है। बापूजी से तो कुछ भी नहीं मिला। अच्छा भारत की राजधानी वापस मिली, परंतु ये वर्षा तो नहीं कहेंगे, सुख मिलना चाहिए ना। वर्षे होते ही है दो, एक हद के बाप का दूसरा बेहद के बाप का। ब्रह्मा से भी कोई वर्षा नहीं मिलता है। बल सारी प्रजा का वह पिता है, उनको कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। वह खुद कहते हैं मेरे से तुमको कुछ भी वर्षा नहीं मिलता, जबकि यह खुद कहते हैं मेरे से वर्षा नहीं मिल सकता। तो उस बापूजी से फिर क्या वर्षा मिल सकेगा? कुछ भी नहीं। अंग्रेज तो चले गए, अभी क्या है? भूख हड़ताल, पिकेटिंग, स्ट्राइक आदि होती रहती, कितनी मारा मारी होती रहती है। कोई का डर नहीं है। बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी मार देते हैं। सुख के बजाय और दुख है। तो बेहद की बात यहाँ ही है। बाप कहते हैं पहले पहले तो यह पक्का निश्चय करो कि हम आत्मा है शरीर नहीं। बाप ने हमको एडप्ट किया है, हम एडप्टेड बच्चे हैं। तुमको समझाया जाता है बाप ज्ञान का सागर आया है और सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, दूसरा कोई समझा न सके। बाप कहते हैं देह सहित देह के सब धर्मों को भूल माम एकम याद करो। सत्व प्रधान जरूर बनना पड़ेगा। यह भी जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं, कहां
इतनी करोड़ों आत्माएं और कहां 9 लाख, इतने सब कहां जाएंगे? अब तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सब आत्माएं ऊपर में थी, फिर यहां आई है पार्ट बजाने। आत्मा को ही एक्टर कहेंगे। आत्मा एक्ट करती है इस शरीर के साथ। आत्मा को ऑर्गन्स तो चाहिए ना। आत्मा कितनी छोटी है, 84 लाख जन्म है नहीं। हर एक अगर 84 लाख जन्म ले, फिर पार्ट रिपीट कैसे करेंगे? याद नहीं रह सकता, स्मृति से बाहर चला जाए। 84 जन्म भी तुमको याद नहीं रहते, भूल जाते हो। अब तुम बच्चों को बाप को याद कर पवित्र जरूर बनना है। इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, यह भी निश्चय है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा हम कल्प कल्प लेते हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनने के लिए बाप ने कहा है कि माम एकम याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ। तुमने बाप को पुकारा है ना, तो अब बाप आए हैं पावन बनाने। पावन होते हैं देवता, पतित होते हैं मनुष्य। पावन बनकर फिर शांति धाम में जाना है। तुम शांति धाम जाना चाहते हो या सुख धाम आना चाहते हो? सन्यासी तो कहते हैं सुख काग विष्टा के समान है। हमको शांति चाहिए तो वह सतयुग में कभी आ नहीं सकेंगे। सतयुग में था प्रवृत्ति मार्ग का धर्म, देवताएं निर्विकारी थे, वही पुनर्जन्म लेते लेते पतित बनते हैं। अब बाप कहते हैं निर्विकारी बनना है, स्वर्ग में चलना है, तो मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाए, पुण्य आत्मा बन जाएंगे, फिर शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। वहां शांति भी थी सुख भी था, अभी है दुख धाम। फिर पाप आकर सुख धाम की स्थापना करते हैं, दुख धाम का विनाश। चित्र भी सामने है, बोलो अभी तुम कहां खड़े हो? अभी है कलयुग का अंत, विनाश सामने खड़ा है, बाकी जाकर थोड़ा टुकड़ा रहेगा। इतने खंड तो वहां होते नहीं। यह सब वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बैठ समझाते हैं। यह पाठशाला है। भगवान उवाच, पहले पहले बाप का परिचय देना पड़ता है। अभी कलयुग है, फिर सतयुग में जाना है। वहां तो सुख ही सुख होता है। एक को याद करना, वह है अव्यभिचारी याद। शरीर को भी भूल जाना है। शांति धाम से आए हैं, फिर शांति धाम में जाना है। वहां पतित कोई जान सके। बाप को याद करते करते पावन बन तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। यह अच्छी रीति बैठ समझाना पड़ता है। आगे इतने सब चित्र थोड़े ही थे, बिगर चित्र भी नटशेल में समझाया जाता था। इस पाठशाला में मनुष्य से देवता बन जाना है। यह है नई दुनिया के लिए नॉलेज, वह बाप ही देंगे ना, तो बाप की दृष्टि रहती है बच्चों पर। हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह भी समझाते हो। बेहद का बाप हमको समझाते हैं, उनका नाम है शिव बाबा। सिर्फ बेहद का बाबा कहने से भी मुंझ जाएंगे, क्योंकि बाबाएं भी बहुत हो गए हैं। म्यूनिसिपालिटी के मेयर को भी कहते हैं बाबा। बाप कहते हैं मैं इसमें आता हूं तो भी मेरा नाम शिव ही है। मैं इस रथ द्वारा तुमको नॉलेज देता हूं। इनको एडप्ट किया है, इनका नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा। इनको भी मेरे से वर्षा मिलता है। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अभी पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जंप देने का समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है, इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है, स्कूल में आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है, ध्यान रहे पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भटके, उबासी न आए, जो सुनते जाए वह धारण होता जाए। वरदान, समय प्रमाण स्वयं को चेक कर चेंज करने वाले सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा भव। विस्तार है, जो सच्चे राजयोगी हैं वह कभी किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं हो सकते, तो अपने को समय प्रमाण इसी रीति से चेक करो और चेक करने के बाद चेंज कर लो। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं, इसलिए चेक करो और चेंज करो, क्योंकि समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजयी होती है, इसलिए सदा विजयी श्रेष्ठ आत्मा बन तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर वन में आ जाओ। स्लोगन, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का अभ्यास हो तब सेकंड में विदेही बन सकेंगे। ओम शांति। टू वॉच पीस ऑफ माइंड चैनल वीडियोस ऑन यूट्यूब, सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/tvpeaceofmind। जस्ट अ क्लिक फॉर अ पीसफुल लाइफ।